बच्चों के प्रति हो रहे अत्याचारों के खिलाफ निकाली गई है। जी मीडिया भी इस भारत यात्रा का हिस्सा है। हजारीबाग में इसका नेतृत्व झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष आरती कुजूर ने किया। हजारीबाग में इस कार्रवाई में स्कूली बच्चे जुड़े। ये भारत यात्रा 22 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से होते हुए करीब 11,000 से 12,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। रांची के रिम्स में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झंडी दिखाकर भारत यात्रा को रवाना किया, जबकि हजारीबाग में सेंट कोलंबस स्कूल से पदयात्रा निकाली गई। 28 सितंबर को गिरिडीह और 29-30 सितंबर को यात्रा कोडरमा पहुंचेगी और वहां से बिहार के लिए रवाना होगी। झारखंड में 25 सितंबर को इस कार्रवाई की शुरुआत श्री कैलाश सत्यार्थी जी और महामहिम राज्यपाल ने किया था और उसके बाद कल रामगढ़ और आज हजारीबाग आया है और ये करते हुए आगे जाएगा। और इस कार्रवाई के माध्यम से हम लोग सारे लोग हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, जन जागरूकता है कि वह बच्चों के प्रति संवेदनशील हो, बच्चों को अधिकार दे, बच्चों को महत्व दे। आज दशहरा पूजा का माहौल है, दशहरा पूजा में आप कन्या की पूजा करते हैं लेकिन कन्या की सिर्फ माता की पूजा मत कीजिए बल्कि अपने बच्चों को भी वो अधिकार और सम्मान दें।